लग गया जे है अबे लो पेंट छोटी सवाली सारा कपड़ा ओदे सूट नु लवाता है साडा बाबा भी शादी तो बाद मैचिंग कपड़े पांदा सी बाबी दे नाल अच्छा इको रंग दा बुरखा पाके दोवें भैणा निकलदियां सी पता ही नहीं से लगदा सुरैया कौन है ते बाबी सुरैया कौन है ओ ते एक दिन बाबे दी ना थोड़ी जिनी टिंड ट्रेन च नजर आई लोकां ने फिर चपेड़ा मार के दा बुरखा लवाया कि ट्रेन पे बुरखा पहन कर क्यों साथ जाते थे आ बाबी ना प्यार करदा सी ना ते बुरखा पाके जनाना डब्बे च वड़ जांदा सी प्यार नहीं करते थे भाभी पे शक करते थे हले भी करते हैं है ना ये बताएं ऐसे टिकटॉक पर आने से पहले आप क्या करते थे मैं स्टडी करता था मैंने बीकॉम ऑनर्स किया फिर एमबीए किया उसी के दौरान ही मैंने टिकटॉक शुरू किया था तो बस अच्छा शुक्र करें आपने एमबीए कर लिया अगर पहले आप टिकटॉक पे आ जाते ना तो मैट्रिक करना भी मुश्किल हो जाता मैंने एमबीए के दौरान ही टिकटॉक शुरू किया था अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज किया दोनों को वाह भाई जबरदस्त वैसे ऐसा ना एमबीए किया है कि किया जो भी किया बहुत अच्छा किया है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितने अरसे से थी जो ये जाके ऐसे डेवलप हुई है हमारी तकरीबन कोई एक साल से सारियां गल ऐसन कर रहे हैं कुड़ी ततालू खा के आई कुड़ी है सोनी हो सकता है थत्ती होवे एहो जियां कुड़ियां अद्धे घंटे बाद बोलदियां भाजन मैं तुहानू ती ते तुसी एवें मथेड़ी दाल मैं ती ते तुसी ते मैं उन्हें मेरे साथ ही होई है एमरीज नू ते तीता लदना बस तीता लदना यार जी कहंदी ती तेरी नू मारया रो दा ते तेरी फुर तरते होते थे अच्छा आप दोनों की शादी से पहले फॉलोवर्स किसके ज्यादा थे टिकटॉक पे अच्छा हाथ ऐसे उठा लिया उसने और वो भी चुपके से ना कि बीवी ना देखे जब तक बीवी का मुंह नहीं नहीं मैं हाथ उठा वो देख रही है दोनों उठा लेता हूं अरे वाह ऐसा साहब बेशक फॉलोअर तुहाडे ज्यादा सन जे इज्जत ना जिंदगी गुजारनी है ना तो यही कही जाओ डॉक्टर साहब के ज्यादा आप वैसे भी डॉक्टर साहब के ज्यादा हैं तो बताएं ना आपके कितने फॉलोवर्स हैं आपके कितने पहले आप बताएं मेरे 2.8 मिलियन अब हुए हैं वाह वाह और आपके कितने 3.3 मिलियन आपके तो ज्यादा है हाँ तो इन्होंने क्यों हाथ उठाया नहीं पहले इनके ज्यादा थे क्योंकि मैं टिकटॉक पे नहीं थी ना मुझे मैं नहीं पहले इनके बहुत कम थे 1 मिलियन जब मैंने साथ वीडियोस बनाने शुरू की ना तो इनका अकाउंट बूस्ट कर ओह माय गॉड वरना इनके अकाउंट पे ऐसे फॉलोअर्स नहीं आ रहे थे जब आपने इनके साथ अपनी वीडियोस बनाई तो इनका अकाउंट एकदम से बूस्ट कर गया और आप इनकी लाइफ बूस्ट कर जाएगी बिल्कुल तो आपने इनका सहारा लिया अपने अकाउंट के लिए नहीं 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 ऐसा माय लॉर्ड ये हरकत ठीक नहीं हुई है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं इस लड़की ने अपने अकाउंट पे फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ाने के लिए उसको बेवकूफ बनाया है जुत्ती तो कपड़े तो खान पीन तो इन्हां दी पहली लड़ाई फॉलोअर दी वजह तो होनी है मेरी ज्यादा अच्छा ये बताइए पहली मुलाकात कहाँ हुई थी आप लोगों की कैसे शुरू हुई कहानी एसएन ने मुझे पहला मैसेज किया था उसके बाद ये मुझसे मिलने कराची आए मैसेज कहाँ किया था इंस्टाग्राम पे ले फॉलो टिकटॉक पे करता था कैंपेन के लिए मैसेज किया था कैंपेन के लिए मैसेज वो क्या कैंपेन थी कैंपेन थी एक ब्रांड की ना बेसिकली मैं मेरी कंपनी है पीआर कंपनी तो उसके सिलसिले में इनको मैसेज किया था मैंने टिकटॉक पे तो होता नहीं तो इंस्टाग्राम पे किया था अच्छा लेकिन उसके बाद मतलब बहाना है ये एक हाँ, ना ये कह लें बहाना था नहीं बहाना नहीं था दिल में घंटियां बज रही थी कैंपेन ढूंढ रहे थे किसी तरह बच्ची को मैसेज करूं कैंपेन वाकई में थी उसके बाद ये चीज शुरू हुई बाद में डेवलप हुई है वो कह रहे पहले मैं पसंद वसंद कोई नहीं करता था ये तो बाद में जो बच्ची ने बाद कैंप ही ला लिया बढ़िया आप तस्वीर का दूसरा रुख बताएं हमें मुझे ये नहीं पता कि कैंपेन थी या नहीं थी एसएन का पहला मैसेज आया था तो उस पे मैंने इनको जो भी था वो बजट वगैरह वो बता दिया था उसके बाद अक्सर स्टोरीज पे ये रिप्लाई कर देते थे फिर मैं कभी रिप्लाई कर देती थी और उसके बाद बातों से बातें बनी हमने अलग अलग टिकटॉक्स बनाना स्टार्ट किए लाहौर में बनाते थे मैं कराची में और हम लोग पार्ट्स को ज्वाइन कर देते थे तो एक टोटल वीडियो बन जाती थी आपने पहली बार नोट किए मैंने इनको बजट बता दिया मतलब शुरू से बजट बता दिए हाँ, पहले हाँ। से ही अपना बजट इन्होंने रख लिया आगे भी बजट ही दसने ने फिर ये मुलाकात कैसे हो गई आप तो कराची में थी वो लाहौर में थे हम लोगों ने साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट की लोगों ने हमारी वीडियोस पसंद करना स्टार्ट की और फिर एहसन लाहौर से कराची आए मेरे खातिर नहीं एक्चुअली मैं अपने किसी काम से आया था तो स्पेशली मैं इन्हें मिलने आया था सरप्राइज दिया था इनको मैंने आपने बात नोट की स्पेशली मैं इनसे मिलने आया था और अपने काम से आया था हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ मनी जा मेरा पुत्र मनी जा क्यों रुकसी तो पहले लड़ाई करानी हूँ आपसे सीख रहा हूँ मैं नहीं, बंदा मान नहीं रहा यार देखो बंदा माने ना यहाँ पे जो कुछ था बोले यार खुल के बोले यार ऐलान कर यार दीवाना था पागल था परवाना था बोलो खुल के ओए हाले इस करके पर पुरजे कट रहा है कि रुकसी नहीं हुई हाले डॉक्टर मदीहा 10 दिन ना लेना
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਏਜ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਕੈਸੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਹੋਗੀ ਕੌਣ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਕੀ ਜੋੜੀ ਐਸੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਅੰਧਾ ਲੰਗੜਾ ਲੂਲਾ ਸਭ ਹੋਣਾ ਪੜੇਗਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਨਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਕੋ ਦੇਂਗੀ ਖੁਦ ਕੋ ਦੇਂਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਦੇਂਗੀ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ ਕੋ ਦੇਂਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਟਿਕਟੋਕ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਥਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਲਵਾਨਾ ਥਾ ਬਾਕੀ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਮੁਸ਼ਾਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੋ ਕੀਆ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ ਕੀਆ ਤੋ ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੀਜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਐਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਜੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਿੰਗਰਾਂ ਚ ਵਾਦਾ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਚ ਘਾਟਾ ਆਹਾ 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 ਭਾਵੀ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਖੁਸਰਾ ਨਾ ਬਨ ਕਦੀ ਕਰੀਫ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਬੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਏ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਈਟਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਮਰੇ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਕਰਾਣੀ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਬਲ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਰੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਕੱਲਿਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੋ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਗਲੇਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਭੰਡ ਹੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਬੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੁਕਨਾਈਜ਼ਰ ਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਕਾਰਡ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਇਓ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਓ ਰਾਹੀ ਗੈਰ ਪਾਗੋ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਖਾਈ ਜਾ ਆਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲ ਵੇਖ ਲੈ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੱਪ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵੀ ਖੈਰ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚ ਕੁੱਲ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਆਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਈ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖ ਲੈ ਸਟੈਲਿਸ਼ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਰੇੜ ਕੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਵੇਚੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਬਦਾਮ ਭੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰਲਾ ਪੰਡ ਵੇਖ ਲੈ ਖੰਡਿਆ ਜੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਰਲਾ ਪੰਡ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸਰੇ ਦਾ ਠੁਮਕਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਦਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸੀ ਮੰਗੇਤਰ ਹੁੰਦੀ ਮਗਾ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਵਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਉਹ ਕੀ ਏ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ